सो हाय फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि इस फोटो को आज हम एडिट करेंगे फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस फोटो को मैंने जो है इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था फ्रेंड्स। तो आपको आपने मुझे बहुत सारे कमेंट की थी कि इस फोटो को एडिट करके बताओ फ्रेंड्स। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए फ्रेंड्स मैंने। सो ये फोटो था फ्रेंड्स, तो जो कि आपने इंस्टाग्राम पर भी देख लिया होगा फ्रेंड्स। मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से मैंने इसे एडिट कर लिया फ्रेंड्स। तो आप चलिए फ्रेंड्स, इस फोटो को ही आपने बोला था कि एडिट करके बताओ, तो चलिए फ्रेंड्स अब इस फोटो को एडिट करेंगे। तो सबसे पहले स्नैपशीट ऐप में चलते हैं फ्रेंड्स और इस फोटो की एडिटिंग करते हैं। सो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम स्नैपशीट ऐप में आ गए फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इस फोटो को थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं फ्रेंड्स, जो कि इतना सही होगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा इतना। तो मैं इसको इतना इतना क्रॉप कर देता हूँ फ्रेंड्स। और अब ट्यून इमेज में जाकर फ्रेंड्स थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर देता हूँ फ्रेंड्स, कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ फ्रेंड्स, सेचुरेशन को +4, एम्बियंस को भी थोड़ा सा कम फ्रेंड्स, और हाइलाइट्स को थोड़ा सा कम, क्योंकि जो हाइलाइट्स है फ्रेंड वो ज़्यादा आ रही है। तो शेडो को हम कम करते हैं फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं इसमें शेडो नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी फ्रेंड्स इस फोटो में, तो ये अपना -40 परफेक्ट है। और थोड़ा सा वार्म रख देंगे फ्रेंड्स। सो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप इस तरीके से मैंने इसको एडिट कर लिया ट्यून इमेज में। चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपना मैनिपुलेशन वाला इफेक्ट लगाने के लिए। तो सबसे पहले हमको इसे डार्क मोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो ये देख सकते हैं, अब मैं इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी इतनी बढ़ा देता हूँ फ्रेंड्स, सेचुरेशन पूरा लो, और एक स्टाइल है फ्रेंड्स, स्टाइल फिल्टर, जो कि उसको हम थोड़ा सा इतना रखेंगे फ्रेंड्स। और विनेगर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा विनेगर इतना रख देंगे फ्रेंड्स, जो कि आपको मैंने पहले ही फोटो बता दी फ्रेंड्स कि इस तरीके से हमारी फोटो होने वाली फ्रेंड्स मैनिपुलेशन पे। चलिए फ्रेंड्स, तो इसे रफ कर देता हूँ फ्रेंड्स मैं, जितना मुझे कैट का पार्ट चाहिए फ्रेंड्स। सो मैं इतना रफ कर देता हूँ फ्रेंड्स जल्दी जल्दी से। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा करीब लेके रफ कर देता हूँ फ्रेंड्स। तो निचला वाला पार्ट का थोड़ा सा फ्रेंड्स मैं इस तरीके से रफ करते जाऊँगा, क्योंकि जो लाइट है फ्रेंड्स, तो कि मैंने आपको बताई थी, वो लाइट ऊपर साइड से गिर रही है फ्रेंड्स, तो हमको एडजस्टमेंट भी उस साइड से ही करनी पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसे रफ जल्दी जल्दी कर देता हूँ फास्ट मोड में। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने इसे एडिट कर लिया है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ मैंने कैट को ही जो है मैंने कलरफुल रखा है फ्रेंड्स, और बाकी पूरे जो फोटो है फ्रेंड उसको मैं इस तरीके से कन्वर्ट कर देता हूँ फ्रेंड्स, पूरे ब्लैक टोन में। सिर्फ हमारी जो कैट है फ्रेंड्स वही कलरफुल लगेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इसे डन कर देता हूँ। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं सिलेक्टिव पार्ट में चलता हूँ फ्रेंड्स, जो कि सिलेक्टिव पार्ट में आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो व्हाइट वाला पार्ट है, जो हेयर्स है फ्रेंड्स, तो उसको थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं फ्रेंड्स, उसका ब्राइटनेस और सेचुरेशन में भी बढ़ा देता हूँ फ्रेंड्स। इसका सेचुरेशन मैंने बढ़ा दिया है, जो कि हम बल्ब जो है फ्रेंड्स, वो फिलामेंटस वाला जो बल्ब है वो हमें इस पर लगाना है फ्रेंड्स। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इस जगह पे लगा दिया दिया है फ्रेंड्स, सिलेक्टिव पार्ट, इसका ब्राइटनेस और सेचुरेशन बढ़ा देता हूँ फ्रेंड्स मैं। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो कि कैट का जो ये वाला पार्ट है फ्रेंड, जो पीठ वाला पार्ट है, वहाँ पे भी थोड़ा सा ब्राइटनेस और सेचुरेशन बढ़ा देता हूँ फ्रेंड्स मैं। सो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने इस फोटो को अब तक एडिट कर लिया है फ्रेंड्स, जो कि मैंने आपको पहले फोटो बता दिया है फ्रेंड्स किस तरीके से होने वाला था। सो ये फोटो भी बहुत अच्छी तरीके से लग रहा है फ्रेंड्स, लेकिन यही पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे लाइट कहाँ से आ रही है, तो हमें इसे फुल एडिट करना होगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं डबल एक्सपोजर के थ्रू इसे लाइट में एडजस्ट कर लेता हूँ फ्रेंड्स, जो कि मैंने PNG डाउनलोड करके रखी है फ्रेंड्स। सो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ फ्रेंड्स इसके लड़के के हाथ में। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने इसे एडजस्ट कर दिया है फ्रेंड्स, और इसका जो ब्राइटनेस है फ्रेंड्स, मतलब ल्यूमिनस, पूरा ऑप्टिसिटी बढ़ा देना है फ्रेंड्स, और इसको भी रफ़ कर लेना है फ्रेंड्स। सो जूम करना फ्रेंड्स और रफ़ कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसे भी रफ़ कर लेता हूँ जल्दी। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो कि मैंने इस तरीके से इसे एडजस्ट कर लिया फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा मेरा अच्छे तरीके से नहीं आया फ्रेंड्स यहाँ पे, तो मैं इसको पूरा ब्राइटनेस कम कर देता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्टिव पार्ट से मैं पूरा ब्राइटनेस मतलब मिटा ही दूंगा फ्रेंड्स यहाँ से, उस स्ट्रक्चर को भी। सो इस तरीके से मैंने इसे एडजस्ट कर लिया है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं ब्रश टूल में, जो कि हमारा फोटो की जो लाइट्स है वो नीचे गिरनी चाहिए फ्रेंड्स, जो कैट है उस पर। सो इस तरीके से हमारा टेम्परेचर है फ्रेंड्स, टेम्परेचर को थोड़ा सा हम यहाँ पे 10 पे रख देंगे फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देख सकते हैं नीचे ब्रश टूल से। सो मैं इस तरीके से इसे ड्रॉ करते जाऊँगा फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ येल्लो पार्ट आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। सो इस तरीके से मैं इसे एडिट करता हूँ फ्रेंड्स, और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से इसका लाइट गिर रहा है फ्रेंड्स। सो नीचे ज़मीन पे भी तो गिर सकता है ना फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा ज़मीन पे भी दिखा देते हैं फ्रेंड्स हम यहाँ पे। इस तरीके से जो कैट है सिर्फ उसके आजू बाजू में ही गिरा करते हैं फ्रेंड्स इसको एडिट, नहीं तो हमारा फोटो रियलिस्टिक नहीं लगेगा फ्रेंड्स। सो कुछ इस तरीके से अब चलता हूँ फ्रेंड्स मैं सेचुरेशन में। सेचुरेशन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसकी एडिटिंग अच्छी तरीके से हो जाती है, सेचुरेशन से जो कलर है वो उभर के आ जाते हैं फ्रेंड्स। और फिर से हम इसे लाइटरूम ऐप में भी थोड़ा सा एडिट कर लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि आपको आपने मुझे बहुत सारी कमेंट की थी फ्रेंड्स कि लाइटरूम ऐप में भी करके बताओ, तो मैं लाइटरूम ऐप में भी करके बता देता हूँ फ्रेंड्स इसको।
सो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा फोटो जो है फ्रेंड्स वो डन हो गया है इस तरीके से, मैंने इसे डन कर दिया है। सो फिर भी ये थोड़ा सा रियलिस्टिक नहीं लग रहा फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लाइटरूम ऐप में चलते हैं, उसकी पूरी एडिटिंग कर देते हैं फ्रेंड्स, मतलब कलर रिटचिंग और ये जो ब्लैक स्पॉट है फ्रेंड्स उसका। चलिए फ्रेंड लाइटरूम ऐप में चलते हैं और इसकी एडिटिंग अच्छी तरीके से कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम लाइटरूम ऐप में आ गए, तो चलिए फ्रेंड्स हम इसकी फोटो एडिटिंग कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं विनेगर, तो मुझे विनेगर लगाना है फ्रेंड्स, तो मैं सिलेक्टिव पार्ट के थ्रू लगाऊंगा फ्रेंड्स, जो कि सिलेक्टिव पार्ट में अच्छी तरीके से लग जाता है फ्रेंड्स विनेगर, तो ये सिलेक्टिव पार्ट। और मैं चलता हूँ इस सर्कल स्पॉट से, तो मैं एक कुछ इस तरीके से इसे करूँगा फ्रेंड्स और इन्वर्ट में बटन दबा दूँगा फ्रेंड्स। सो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से थोड़ा सा मैं इसका विनेगर लगा देता हूँ फ्रेंड्स। सो और इसका ब्राइटनेस जो है फ्रेंड्स वो कम कर देता हूँ फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि किस तरीके से हमारा फोटो एकदम अच्छी तरीके से लग रहा है फ्रेंड्स। तो कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ, हाईलाइट्स को कम कर देता हूँ फ्रेंड्स, और ये डन कर देता हूँ फ्रेंड्स मैं। सो इस तरीके से फ्रेंड्स मैं इसे सिलेक्टिव पार्ट के थ्रू फिर से इसे लाइट को अच्छी तरीके से एडिट कर लेता हूँ फ्रेंड्स। तो मैं जूम करता हूँ सबसे पहले, और लाइट थोड़ा सा रियलिस्टिक लगना चाहिए फ्रेंड्स हमारा, जो मैं इसे यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ फ्रेंड्स, और ये थोड़ा सा बैक कर देता हूँ। और अब मैं इसे जूम करके फिर से यहाँ पर थोड़ा सा स्पॉट लगा देता हूँ फ्रेंड्स, मैं इसे इस तरीके से थोड़ा सा इसका जो ब्राइटनेस है फ्रेंड्स वो इस तरीके से बढ़ा देता हूँ, और कॉन्ट्रास्ट को भी बढ़ाता हूँ फ्रेंड्स, हाईलाइट्स को थोड़ा सा कम कर देता हूँ फ्रेंड्स, शेडोज को तो नहीं रखना चाहिए फ्रेंड्स वाइट, और यहाँ पे ब्लैक तो बिल्कुल नहीं चाहिए फ्रेंड्स, और कलर जो है फ्रेंड्स वो ऑरेंज कलर में चाहिए, टिंट थोड़ा सा रख देता हूँ फ्रेंड्स। तो ये मैंने इसे डन कर देता हूँ फ्रेंड्स, और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स अब मैं अब यहाँ पे फिर से ब्रश टूल यूज़ करूँगा फ्रेंड्स, अब ब्रश टूल देख सकते हैं यहाँ पे, और ब्रश टूल में यहाँ पे इस तरीके से इसे फैला दूंगा फ्रेंड्स, और यहाँ पे भी थोड़ा सा फ्रेंड्स ब्राइटनेस जो है मैं वो बढ़ा देता हूँ फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने ब्राइटनेस बढ़ा दिया फ्रेंड्स, कॉन्ट्रास्ट हाईलाइट को भी बढ़ा देता हूँ फ्रेंड्स, शेडोज़ को भी और वाइट्स को भी ज़्यादातर बढ़ा देता हूँ फ्रेंड्स, और मैं इसे डन कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने इसे एडिट कर लिया है, और फिर भी आपको लग रहा होगा फ्रेंड्स कि जो हैंड में इस आदमी ने जो पकड़ा है जो लाइट अच्छी तरीके से नहीं दिख रहा, तो फिर से मैं इसे ब्रश टूल से इस तरीके से छुपा देता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे, मतलब यहाँ पे डार्कनेस कर देता हूँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं थोड़ा सा इरेजर कर देता हूँ फ्रेंड्स, इरेज कर लेता हूँ यहाँ पे। सो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने इसे डन कर देता हूँ फ्रेंड्स। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से इस फोटो की मैंने एडिटिंग कर ली है। सो फ्रेंड्स आपको ये फोटो किस तरीके से अच्छे तरीके से लगा या फिर नहीं लगा, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको कुछ क्वेरीज होगी फ्रेंड्स तो वो भी मुझे बता देना फ्रेंड्स, तो मैं इसे सॉल्व कर दूंगा। और आप मेरे चैनल पर नए हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आपने मेरी वीडियो लास्ट तक देखी।